पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी के चलते एक शख्स की जान बच गई। दून एक्सप्रेस में सफर कर रहे शख्स का पैर फिसल गया और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया। वहां मौजूद आरपीएफ के जवान ने तेजी दिखाते हुए उस शख्स को बचा लिया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आज बड़ा हादसा हो गया। मुंगेर से एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे आशुतोष की मौत हो गई। एक्सीडेंट की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास कार नाले में गिर गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन लोग कार ड्राइवर की मदद करने के बजाय सेल्फी लेते रहे। बाद में पुलिस ने घायल को बचाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। मुंबई में रॉन्ग साइड से आ रही बाइक हादसे का शिकार हो गई। कार से टक्कर के बाद बाइक सवार गिर जाता है। कार बाइक में दोबारा हिट करती है, जिससे बाइक पूरी तरह घूम जाती है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। श्रीनगर के नौगाम में आतंकी हमला। पावर ग्रिड की सुरक्षा में लगे सीआईएसएफ जवान पर आतंकियों ने किया हमला। एएसआई राजेश कुमार शहीद। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से घबराए आतंकी लगातार कायराना हमलों को अंजाम दिया। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान को फिर दी चेतावनी। कहा, घुसपैठ करने से बाज आए पाकिस्तान, भारत किसी भी हालात से निपटने में सक्षम। 72वें इन्फेंट्री डे पर बिपिन रावत ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि। ऊना के रहने वाले सिपाही ब्रजेश आतंकी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। सोपोर में शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में ब्रजेश शहीद हुए थे। ब्रजेश के परिवार समेत पूरे गांव में शोक पसरा हुआ है। यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में घुस रहा फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा का रहने वाला आरोपी सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर कैंप में घुस गया था। सीआरपीएफ जवानों को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ओडिशा के ढेकानाल में दर्दनाक हादसा सामने आया है। वन विभाग की देखी गई बड़ी लापरवाही। करंट लगने से 7 हाथियों की मौत हो गई। जंगल में खुले तारों की चपेट में आ गया था हाथियों का दल। मौके पर पहुंचे वन अधिकारी। आज देशभर में करवा चौथ का त्यौहार मनाया जा रहा है। सुहाग की सलामती के लिए महिलाओं ने रखा है व्रत। दिल्ली में आज चांद के दीदार 7:55 से होंगे।